बारिश के दिनों में इस जगह पर पानी भरा रहता है। कुछ लोग पहुंचे हुए हैं इस तरह से, ये देखिए। सूरत है जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क किए, वहाँ से एक रास्ता है सीढ़ी के द्वारा, तो यहाँ से भी आप लोग आ सकते हो। हम लोग घूमते घूमते इस साइड से होते हुए इस रास्ते से ही जा रहे हैं, यही रास्ता है जो नीचे की ओर जाने वाला है। तो वहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं इस जगह पे। और यहाँ का जो भी पॉइंट है सब 8 से 10 किलोमीटर के दूर दूर पर है। यहाँ पर महिलाएँ देख नीचे से पानी भर कर ऊपर की ओर ला रही है। ये देखिए नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है सच में। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है इस एरिया में आकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइएगा घूमने के लिए। तो इस जगह पे काफ़ी टूरिस्ट लोग पहुंचे हुए हैं, सब आना जाना कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा पहाड़ों पर है सभी जितने भी पिकनिक स्पॉट, मैं 2-3 देख के आ चुका हूँ। घाघी झरना है आपका, उल्टा पानी, ये सब पूरे पहाड़ों पर, ये भी है पहाड़ों पर, ये देखिए एरिया को देखिए, काफ़ी खूबसूरत एरिया पे बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको फिश पॉइंट किस लिए बोला जाता है एग्जैक्ट मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले के समय में यहाँ पे मछली हुआ करता था, तो इसी को देखते हुए इस जगह का नाम मछली पॉइंट रख दिया गया है। और उतना भी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, और जो भी जानकारी है मैं आप लोग को बतला दिया हूँ। यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने को इस साइड चलना है, इस साइड में आप लोग को लेके जाने वाला हूँ, नीचे में आप लोग को लेके चलता हूँ। इस फिश पॉइंट में आप लोग देख सकते हो पीछे पिकनिक मनाने के लिए सब लोग आते हैं, यहाँ पर जो भी खाना पीना बनाना होता है सब बनाते हैं। यहाँ पे फिश पॉइंट में वाटरफॉल है, देख सकते हो पीछे में है झरना। आप लोग, मैं इसी को आप लोग को दिखाने के लिए इतना दूर लेकर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे हैं। ये देखिए काफ़ी लोग पहुंचे हुए नीचे में है, कुछ लोग ऊपर में हैं, तो चलिए अपन नीचे चलते हैं। ये खूबसूरत सा वाटरफॉल बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए मुझे इसी जगह पे जाना है और नीचे आप लोग को दिखलाना है, यही है झरना जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। कुछ लोग पहुंचे हुए हैं इस तरह से, ये देखिए। बारिश के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, फिलहाल अभी कम पानी भरा हुआ है। इस तरह से भी वाटरफॉल बनता है, उस साइड से भी वाटरफॉल बनता है। तो देखिए ये जो पानी बहते बहते इस तरफ की ओर जाता है, यहाँ पे भी एक झरना है, वहाँ पे बुढ़िया लोग है, इन्हीं के साथ मैं आ जाया हूँ घूमने के लिए।
एंजॉय करें लोग। अगर आप लोग पार्टी मनाना चाहते हैं तो आप लोग मना सकते हैं। ऊपर में पार्टी वगैरह मनाने के लिए एक अच्छी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे कुछ गर्ल्स बॉयज लोग भी आए हुए हैं जो वहाँ पर खाने का काम कर रहे हैं, इस तरफ से हैं। और ये पहाड़ को देखें, काफ़ी खूबसूरत पहाड़ है ये देखें। और यहाँ के जो पेड़ पौधे ना, हरे भरे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, मैं आप लोगों को सामने से दिखला रहा हूँ, नीचे मैं नहीं जा सकता क्योंकि नीचे काफ़ी गहरा है। और जो यही वाटर वाला फॉल का जो पानी है नीचे की ओर बह रहा है, ये देख सकते हैं। नीचे में कोई नहीं जा सकता। अगर सेफ्टी से उतरना चाहते हो तो आप लोग, ये जो भैया लोग सामने में खड़े हुए, वहाँ तक आप लोग।